दूर किसी गांव में गोपी और राशि नाम की दो सगी बहनें अपनी बूढ़ी बीमार माँ कौशल्या के साथ रहती थी। गोपी और राशि थी तो दोनों बहनें, लेकिन उन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ गोपी मेहनती और समझदार थी, वहीं दूसरी और राशि लालची और कामचोर थी। वो बस बिना मेहनत किए बहुत पैसा कमाना चाहती थी। गोपी बेचारी घर का खर्चा चलाने और माँ की दवाई के लिए दिन रात मेहनत करती, घर के कामों के साथ साथ खेतों में काम करती, लेकिन राशि घर के कामों में गोपी की बिल्कुल भी सहायता नहीं करती थी। वो बस सारा दिन भर सोती रहती। एक दिन की बात है, राशि मुझे आज खेतों में जल्दी जाना है, इसलिए तुम माँ को समय पर दवाई दे देना। आंगन की सफाई और थोड़े बहुत गंदे कपड़े भी पड़े हैं, उन्हें धो लेना, ठीक है? सोती मत रह जाना, समझी? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगी। इतना कहकर राशि चद्दर ओढ़कर सो गई। वहीं बेचारी गोपी कड़ी धूप में खेतों में काम कर रही थी। काफी समय बीत जाने के बाद थकी हारी गोपी जब घर पहुंची, तो घर की अस्त व्यस्त हालत देखकर दंग रह गई। अरे ये क्या, आंगन तो गंदा पड़ा हुआ है। राशि कहाँ हो तुम? ये कहते हुए गोपी चिल्लाने लगी, लेकिन राशि तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसके बाद गोपी अपनी माँ कौशल्या के पास गई, तो देखा उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत अचानक बिगड़ कैसे गई? आपने आज दवाई समय पर नहीं खाई? नहीं बेटा, हर रोज तो तुम ही मुझे दवाई देकर जाती हो। हाँ माँ, पर आज मुझे खेतों में जल्दी जाना था, इसलिए मैं राशि को समझा कर गई थी कि समय पर आपको दवाई दे देगी। राशि कितनी लापरवाह है, घर रहकर भी माँ की देखभाल नहीं कर सकती, ऐसा कब तक चलेगा? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। राशि कमरे से बाहर आओ जल्दी। राशि मुंह बनाते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ गोपी, आते ही क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? तुम घर पर रहकर माँ का ख्याल भी नहीं रख सकती हो क्या? कैसी बेटी हो तुम, देखो माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है। तूने माँ को समय पर दवाई क्यों नहीं दी, बताओ मुझे, तू इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? क्या, माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई? ओह, मैं माँ को दवाई देना भूल गई। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तू कितनी कामचोर है। गोपी और राशि को लड़ता देख उनकी माँ कौशल्या बोली, बेटी तुम दोनों लड़ना बंद करो, प्यार से मिलकर रहो। राशि, गोपी बेटी सारा दिन भर खेतों में काम करती है, तुम घर के कामों में उसका हाथ बटाया करो, घर और बाहर दोनों काम अकेली बेचारी गोपी कैसे करेगी? माँ मैं घर का काम नहीं करूँगी। तो ठीक है, खेतों में जाकर गोपी की मदद कर, समझी? दिन पर दिन आलसी होती जा रही है, पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। ये सुनते ही राशि मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। रहने दो माँ, अब किसे समझा रही हो, भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। गोपी बेचारी अकेली ही घर और बाहर दोनों का काम संभालती, वहीं राशि मजे से घर में आराम करती। लेकिन एक दिन कौशल्या ने राशि को खूब डांटा, तब हार मानकर राशि गोपी के साथ खेतों में जाने के लिए तैयार हो गई। माँ तो जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, घर पर रहकर माँ का भाषण सुनने से तो अच्छा है मैं गोपी के साथ खेतों में चली जाती हूँ, मैं वहाँ कौन सा काम करूँगी। बस पेड़ की छांव में बैठ जाया करूँगी। ऐसा सोचकर राशि अपनी बहन गोपी के साथ खेतों में अक्सर जाया करती और पेड़ की छांव में बैठ जाया करती। ये देख गोपी राशि को खेतों में काम करने को कहती, लेकिन राशि गोपी की एक नहीं सुनती। एक दिन की बात है, गोपी और राशि जब घर वापस लौट रही थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर बंजर जमीन के पास एक बूढ़ी औरत जमीन पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई दी। ये देख गोपी बूढ़ी औरत के पास गई और बोली, लगता है अम्मा बेहोश हो गई हैं। ये कहते हुए गोपी ने बूढ़ी औरत के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, तभी बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोली। अरे अम्मा आप ठीक तो है ना? हाँ बिटिया मैं ठीक हूँ। वैसे आपको क्या हुआ था, आप यहाँ क्या कर रही थी, वो भी इतनी कड़ी धूप में? बेटी तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, ये बंजर जमीन मेरी है,
कुछ साल पहले मैं और मेरे पति इस जमीन पर खेती किया करते थे। मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरे पति और मैं दोनों मिलकर खेती कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन पति की मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट गई और ये जमीन भी बंजर हो गई। अपना पेट पालने के लिए जैसे तैसे दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी, लेकिन वो काम भी छूट गया। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी इस बंजर जमीन पर दोबारा से खेती कर अपना गुजर बसर कर लूं। मैं फावड़ा लेकर जमीन खोद ही रही थी कि तभी मुझे चक्कर आ गया। अच्छा कोई बात नहीं अम्मा, मुझे खेती करनी आती है, मैं आपकी मदद करवा दूंगी, आप चलकर पेड़ के नीचे आराम करिए। अरे तुम्हें क्या जरूरत है इस बूढ़ी औरत की मदद करने की, चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। नहीं, हमें मिलकर बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए, देखो कितनी परेशान है बेचारी। तुम करो इनकी मदद, मैं तो पेड़ के नीचे आराम कर रही हूँ, वैसे भी धूप में चल चल कर मैं बहुत थक गई हूँ। ये कहते हुए राशि पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। वहीं गोपी बूढ़ी औरत को पेड़ की छांव में बैठाकर बंजर जमीन की खुदाई करने लगी। इस तरह से गोपी रोज सुबह खेतों में काम करने जाती, फिर दोपहर के समय काम खत्म कर थकी हारी गोपी बूढ़ी औरत के खेतों में काम किया करती। ये सब देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश होती। फिर एक दिन गोपी की कड़ी मेहनत रंग लाई और बंजर जमीन हरे भरे फसलों से भर गई। तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल गई और बोली, गोपी मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही, इसलिए मैं तुम्हें सोने के जादुई बाल देना चाहती हूँ। इन बालों को बेचकर तुम अपनी जरूरत का सामान खरीद सकती हो, अब तुम्हारे जीवन से सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही गोपी के साधारण बाल जादुई सोने के बाल में बदल गए। ये देख राशि ईर्ष्या से जल उठी और वो गोपी से बोली, काश मेरे बाल भी जादुई सोने के होते। गोपी कहो ना परी से, प्लीज मुझे भी जादुई सोने के बाल चाहिए, मैं आज के बाद कभी आलस नहीं करूंगी बल्कि तुम्हारी तरह मेहनत करूंगी, प्लीज गोपी। ये कहते हुए राशि उदास हो गई। अपनी बहन को यूं उदास देख गोपी परी से बोली, परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जादुई सोने के बाल दिए, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरी बहन राशि के बाल भी जादुई सोने के कर दीजिए, प्लीज परी जी। ठीक है गोपी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राशि के बाल भी जादुई सोने के बाल में बदल गए। ये देख राशि खुशी से नाचने लगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम इन जादुई बालों का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करना और ना ही कभी किसी गरीब का दिल दुखाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और तुम गंजी हो जाओगी। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। वहीं दोनों बहनें खुश होते हुए अपने घर लौट गई। राशि आईने में जाकर जादुई सोने के बालों को देखकर निहार रही थी। अरे वाह, मेरे सोने के बाल तो गोपी के बालों से भी ज्यादा खूबसूरत है, किसी की नजर ना लगे मेरे सोने के बालों पर। राशि सोने के जादुई बाल तो तुम्हें मिल गए, लेकिन परी की बात का हमेशा ध्यान रखना वरना तुम्हारे सोने के बाल गायब हो जाएंगे। गोपी तुम अपने आप को दुनिया की सबसे समझदार लड़की समझती हो क्या, और मुझे पागल, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, जाकर अपना काम करो, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर राशि बाहर चली गई। बाहर सभी गांव वाले राशि के सुनहरे बालों को देख हैरानी से आपस में बातें करने लगे। वहीं गोपी अपनी माँ कौशल्या को जादुई सोने के बालों के बारे में बताती है। अब घर में जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो गोपी जादुई सोने के बालों को तोड़कर उन्हें बाजार में बेच आती और उनके बदले मिले पैसों से जरूरतों का सामान खरीदकर घर ले आती। साथ ही वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती। वहीं राशि सोने के टूटे हुए बालों को बेचकर हर रोज ढेर सारी शॉपिंग करती। जादुई सोने के बाल पाकर राशि आलसी होने के साथ बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गई। जब भी कोई जरूरतमंद उससे मदद मांगता वो उसे दुत्कार कर वहाँ से भगा देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर अचानक गांव में सूखा पड़ गया। खेती पर निर्भर रहने वाले गांव वालों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा।
सभी लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। खेत खलियान सब सूख गए। अपने गांव की बिगड़ती हालत देख गोपी हर रोज जादुई बालों को तोड़कर गांव वालों की हर संभव मदद करने लगी। ये देख राशि गुस्से से बोली, गोपी तुम पागल तो नहीं हो गई? इस तरह हर रोज अपने सोने के बाल तोड़कर बेचोगी, तुम तो जल्द ही गंजी हो जाओगी। तुम्हें क्या जरूरत है इन गरीब लोगों की मदद करने की? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा गांव वाले कितनी मुसीबत में हैं? तुम्हें भी मेरे साथ इनकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, तुम अकेली ही करो समाज सेवा। मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ, सुना है वहाँ ब्रांडेड कपड़ों की सेल लगी है। ये कहते हुए राशि शहर जाने के लिए निकल पड़ी। वहीं गोपी निस्वार्थ भावना से सूखे ग्रस्त इलाके में जाकर लोगों को कपड़े पैसे और राशन बांटने लगी। दूसरी ओर राशि टूटे हुए सोने के बालों को बाजार में बेचकर शहर जाकर अपने लिए फैशनेबल कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर गांव लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसे फटे हाल में एक औरत मिली। सुनो बहन, कृपया मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, मेरी बच्ची ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल दूर हट, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं गोपी की तरह पागल नहीं हूँ कि मुफ्त में अपने जादुई कीमती बाल तुम जैसे भिखारी लोगों पर लुटाती फिरूं। हाँ, मैं तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगी। ऐसा मत करो बहन, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मेरी बच्ची भूख से मर जाएगी। मेरी बात तो सुनो। जाकर अपना दुखड़ा गोपी को सुना, मुझे नहीं। अब मेरे रास्ते से दूर हट जा। ये कहते हुए राशि ने उस बेचारी औरत का दिल दुखाया। जब राशि घर पहुंचकर अपने कमरे में सो ही रही थी कि तभी गोपी कमरे में आई और राशि को जगाते हुए बोली, अरे राशि, तुम्हारे जादुई सोने के बाल कहाँ गए? तभी राशि नींद से जागते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मेरे बालों को क्या हुआ? ये कहते हुए राशि ने अपने सर पर हाथ फेरा। मेरे सोने के बाल कहाँ गए? मैं तो गंजी हो गई। तब राशि को अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा भी कि उसने घमंड में आकर गरीब का दिल दुखाया, जिसकी वजह से उसके जादुई सोने के बाल गायब हो गए और वो सदा के लिए गंजी हो गई। वहीं दूसरी ओर गोपी जादुई सोने के बालों की मदद से गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद कर सोने के बालों वाली लड़की के नाम से प्रसिद्ध हो गई। रीवा अपनी चाची रंगोली के साथ रहती थी। रंगोली का एक बेटा और एक बेटी थी। रंगोली का बेटा शहर में हॉस्टल में पढ़ता था और उसकी बेटी माही उसके साथ ही रहती थी। रंगोली का पति भी शहर में काम करता था। रीवा का रंग काला था लेकिन उसके बाल बहुत लंबे और घने थे। वहीं माही का रंग गोरा था लेकिन बचपन में किसी गलती की वजह से उसके सर पर बाल नहीं थे। एक दिन माही रोते हुए रंगोली के पास आती है। मम्मी, आपने मुझे रीवा के साथ बाहर क्यों भेजा? क्या हुआ बिटिया, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मम्मी, लेकिन अब मैं कभी भी उसके साथ बाहर नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ? आज सबने बाहर मेरा बहुत मजाक बनाया। सब कहते हैं कि मेरे बाल रीवा की तरह नहीं है, मैं तो गंजी हूँ। लेकिन वो काली है और तुम गोरी हो। ये किसी को नहीं दिखता, बस सब उसके बालों की तारीफ करते रहते हैं और मेरे गंजेपन का मजाक बनाते रहते हैं। सबको रीवा के कालेपन का मजाक बनाना चाहिए लेकिन वो मेरा मजाक बनाते हैं। जब सब मेरा मजाक बनाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसकी कोई तरकीब निकालो वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मेरी बिटिया, तेरे लिए तो मैं अपनी जान दे दूँ, तरकीब निकालना कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद रंगोली मेडिकल शॉप जाती है और एक केमिकल लेकर आ जाती है। रंगोली केमिकल रीवा के तेल में डाल देती है। थोड़ी देर बाद रीवा आती है। रंगोली उससे कहती है, रीवा बहुत दिनों से देख रही हूँ तू तेल नहीं लगा रही है। हाँ चाची, मुझे तेल लगाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तेल लगाना बालों के लिए अच्छा होता है। अगर तू तेल नहीं लगाएगी तो जब तेरी उम्र हो जाएगी तो तेरे सर में दर्द होगा। ऐसा भी कुछ होता है क्या? ठीक है, फिर मैं आज ही अपने बालों में तेल लगा लेती हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही मैं अपने बाल धो लूँगी। ठीक है, अभी तेल लगा ले। उसके बाद रंगोली वहाँ से चली जाती है। रंगोली के जाने के बाद रीवा अपने बालों में तेल लगाती है।
तभी अचानक तेल लगाते लगाते उसके बाल उसके हाथों में आने लगते हैं और धीरे धीरे करके उसके सारे बाल टूट जाते हैं। रीवा रोते हुए रंगोली के पास जाती है। चाची, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो वही तेल लगा रही थी जो मैं पहले लगाया करती थी। तू बहुत दिनों से तेल नहीं लगा रही थी, हो सकता है तेल एक्सपायर हो गया हो, तुझे तेल देखकर लगाना चाहिए। ये सुनकर रीवा बहुत रोती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद माही रंगोली के पास जाती है। मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया, मैं जानती हूँ ये सब आपने ही किया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मेरे लिए सच में ऐसा कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती थी, बेचारी काली तो थी ही, अब गंजी भी हो गई। हाँ मम्मी, अब सब उसका मजाक बनाएंगे, किसी की नजर मेरे गंजेपन पर तो जाएगी ही नहीं। इस तरह माही और रंगोली बहुत खुश होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रंगोली की मौसी उसके घर शादी का कार्ड लेकर आती है। रंगोली, मेरी जेठानी की बेटी की शादी है, ये रहा शादी का कार्ड, सबको साथ लेकर आना। अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। क्या मौसी, इतनी जल्दी जा रही हो? थोड़ी देर तो बैठो, कम से कम चाय पी लो। ठीक है, ला पिला चाय। थोड़ी देर बाद चाय पीकर रंगोली की मौसी चली जाती है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। सभी शादी में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। रीवा भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी माही उसके कमरे में जाती है। तू क्यों तैयार हो रही है? वहाँ जाकर अपना मजाक बनवाने का शौक है क्या? मुझे किस चीज का शौक है और किस चीज का नहीं, इससे मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई मतलब होना चाहिए। तुम अपने कमरे में जाकर तैयार हो। चाहे कितना भी बुरा हो जाए, जुबान चलनी बंद नहीं होती। हाँ सही कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो। माही गुस्से से रीवा के कमरे से बाहर निकलकर रंगोली के कमरे में जाती है। मम्मी, आपने उसे मना नहीं किया हमारे साथ जाने के लिए, अगर वो गई तो सबकी खिल्ली उड़ जाएगी। सबकी क्यों खिल्ली उड़ेगी, सिर्फ उसकी उड़ेगी, जाने देना, बेइज्जती होगी तो आगे से खुद जाना बंद कर देगी। सही कहा आपने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद सब शादी में जाते हैं। शादी में सब रीवा को घूरने लगती हैं। माही रीवा के कान में जाकर बोलती है। तुम्हें पता है ये सब तुम्हें क्यों घूर रहे हैं? सबको लग रहा है कि शादी में सर्कस से कोई जोकर भाग कर आ गया है। मैं जोकर लग रही हूँ तो तुम मेरे साथ में खड़ी क्यों हो? वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें भी सब मेरी सहेली मानकर जोकर समझने लग जाएं। माही वहाँ से चली जाती है। रीवा के पीछे दो औरतें खड़ी थी। रीवा को देखकर वो दोनों आपस में बातें करने लगती है। अरे देखो तो, ये इतने बड़े शादी समारोह में कौन नमूनी आई है? ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, काली ऊपर से गंजी। मुझे लगता है इसे कोई बीमारी है। अगर ऐसा है तो चुपचाप घर में बैठना चाहिए ना, पता नहीं मुंह उठाकर शादी समारोह में क्यों आ जाते हैं। जरूरी थोड़ी है हर जगह जाकर घुसने की। सही में कितनी अजीब लड़की है, खुद भी नहीं लगता कि इतनी बदसूरत होने के बाद कहीं ना जाए। माही और रंगोली भी ये सारी बातें सुन रही थी। यह सब सुनकर उन दोनों को बहुत मजा आ रहा था। माही रंगोली से कहती है, मुझे ये सब सुनकर बहुत मजा आ रहा है, आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, बहुत बनी फिरती थी, अब पता चला होगा। रीवा चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी। कुछ घंटों बाद वो सब शादी से आ जाते हैं। रीवा बहुत रोती है और रंगोली से कहती है, चाची अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैंने शादी में जाने से पहले भी तुझे ये बात बोलने की सोची, फिर मुझे लगा कि तुझे कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए मैंने नहीं बोला। अब तूने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया है तो तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। फिर रीवा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रीवा पूरी रात रोती है। अगले दिन रंगोली के घर में उसके कुछ सहेलियां आती है और उससे कहती है, रंगोली एक बात बता, तूने गंजी काली लड़की को अपने घर में क्यों रख रखा है? अरे इसको निकाल कर बाहर फेंक, तुझे पता भी है इसके बारे में गांव वाले कैसी कैसी बातें करते हैं? नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता है। अरे कोई तेरे सामने आकर क्यों कुछ बोलेगा, सब कहते हैं कि इसे कोई बीमारी है। मीनू बिल्कुल सही कह रही है, इसे अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक। कौन सा ये तेरी सगी बेटी है?
अपनी सहेलियों की बातें सुनकर रंगोली रीवा को उसके कमरे से घसीटते हुए बाहर निकालती है और कहती है, मेरे घर से बाहर निकल जा। चाची, अचानक आपको क्या हो गया? मुझे तेरे से अपना कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, गंजी काली लड़की। तेरी वजह से गांव वालों के बीच हमारे इतनी बातें हो रही है, मैं अब और ये सब नहीं चाहती, इसलिए बाहर निकल जा। रीवा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रीवा सड़क पर चल रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी औरत खेत में काम करती नजर आती है। रीवा बूढ़ी औरत के पास जाती है। अम्मा, आपको इतनी उम्र हो गई है और आप खेत में काम कर रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा से खेत में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने खेत की ताजी सब्जियाँ खाना पसंद है। तभी अम्मा गौर से रीवा का चेहरा देखती है और बोलती है, तुम्हारी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों लग रही है? लगता है तुम बहुत रोई हो। अम्मा के कहने पर रीवा उन्हें सारी बातें बताती है। अम्मा को रीवा पर बहुत तरस आता है। बिटिया, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। रीवा अम्मा के साथ उनके घर जाती है। अम्मा रीवा को एक कंघी और फेस क्रीम दे देती है। जब मैं तुम्हारे उम्र की थी तब मैंने एक डायन से परी की रक्षा की थी। परी ने खुश होकर मुझे ये कंघी और क्रीम दिया। ये दोनों जादुई है। कंघी और क्रीम ने कई सालों तक मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसे तुम अपने साथ लेकर जाओ। रीवा बहुत खुश होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, मैं अभी इन्हें लेकर जा रही हूँ, लेकिन मेरा जब भी आपसे मिलने का मन करेगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगी। उसके बाद रीवा वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले रीवा जादुई कंघी से घर और राशन मांगती है। उसके पास घर और राशन आ जाता है। उसके बाद रीवा अपने घर के अंदर जाती है और जादुई कंघी को अपने सर पर फेरती है। तभी अगले ही पल उसके पहले की तरह लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। अरे वाह, अब मैं फेस क्रीम लगाती हूँ। उसके बाद रीवा फेस क्रीम लगाती है, तभी अगले ही पल उसका रंग गोरा हो जाता है। अपना ये बदला बदला नया रूप देख रीवा बहुत खुश होती है। मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, लेकिन मैं हमेशा इन दोनों की मदद नहीं चाहती हूँ। इन्होंने मेरे लिए जो किया बहुत है। जादुई कंघी, मैं तुमसे आखिरी बार एक मदद ले रही हूँ। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मैं उन पैसों से अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलूंगी। जादुई कंघी रीवा को बहुत सारे पैसे देती है और कुछ महीनों में उसका रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाता है। गांव में रीवा ने सबसे पहले रेस्टोरेंट बनवाया था, इसलिए उसके रेस्टोरेंट में बहुत ग्राहक आते थे। धीरे धीरे रीवा बहुत तरक्की करने लग गई। रीवा की तरक्की की बातें रंगोली और माही के कानों तक पहुँच जाती है। मम्मी, आपने रीवा के बारे में सुना? मुझे लगता है अब हमें फिर से उससे रिश्ते नाते जोड़ने चाहिए। चलो उसके घर चलते हैं। उसके बाद रंगोली और माही रीवा के घर जाते हैं। रीवा मेरी बच्ची, तुझे पता है मैं तुझे कितना याद कर रही थी। अगर आप मुझे सच में याद कर रही होती तो बहुत पहले ही आ चुकी होती। मैं अच्छे से जानती हूँ आप दोनों यहाँ क्यों आई हो। देखो, आप लोग कुछ बोलो उससे पहले ही मैं कह देती हूँ कि चाची, आपने मुझे ये कहकर घर से निकाला था कि आपको मेरे से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। फिर अब मेरे से रिश्ता नाता जोड़ने क्यों आई हो? अब मुझे आप दोनों से कोई रिश्ता नाता नहीं जोड़ना है, इसलिए आप दोनों मेरे घर से जा सकती हैं। नहीं रीवा, ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में तेरी बहुत याद आ रही थी। अगर आप दोनों शराफत से मेरे घर से बाहर नहीं निकली तो मैं पुलिस को फोन कर बुला लूंगी। रीवा की धमकी के बाद दोनों माँ बेटी उसके घर से चली जाती है। उसके बाद फिर से रीवा हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।